स्ट्राइक से लिबनान धधक रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। गाजा में भी इसराइल का एक्शन जारी है। और इन सब के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। हमने गाजा में हमास को कुचल दिया, हमने उसकी अधिकांश कमांड चेन को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्ला को ताकत के साथ कुचला, हमने नसरल्ला को खत्म कर दिया और हम व्यवस्थित रूप से उसके शीर्ष कमांड को भी खत्म कर रहे हैं। इसराइल अपने दुश्मनों का पीछा करेगा और उन्हें खत्म करेगा। बीते शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। इससे इतना भीषण विस्फोट हुआ कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस वक्त नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहां पर मौजूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे, जिनमें ईरानी कमांडर निलफोरोशान भी थे। निलफोरोशान IRGC के ऑपरेशंस कमांडिंग को देख रहे हैं। ये कमांड सीधे तौर पर सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। अपने अहम कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान इंतकाम की आंख से जल रहा है। रविवार को ईरान के रणनीतिक मामलों के उपाध्यक्ष जवाद जरीफ ने इसराइल को धमकी दी और कहा, उचित समय पर और ईरान की पसंद की जगह पर इसकी प्रतिक्रिया होगी और इसके निर्णय निश्चित रूप से नेतृत्व स्तर पर किए जाएंगे। इसराइल से ईरान अब बदला जरूर लेगा, मगर कब ये किसी को पता नहीं। इन सब के बीच अब नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिसे लग रहा है कि जंग की आग और भड़कने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के दूत की मौजूदगी में ईरान में इसराइल से बदला लेने का प्लान बनेगा। दरअसल पुतिन अपने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को ईरान भेज रहे हैं। रूसी PM मिखाइल सोमवार को ईरान में रहेंगे और वहां के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मिखाइल पुतिन का संदेश लेकर ईरान जा रहे हैं। वहीं पर इसराइल से बदला लेने का ईरान प्लान भी बनाएगा। इसराइल हिजबुल्ला लिबनान जंग में ईरान अभी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर को डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि जैसे ही हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आई, सुप्रीम लीडर सेफ जगह चले गए। लेकिन इसराइल और ईरान के बीच अगर सीधी जंग होती है तो इसका मतलब होगा कि रूस और अमेरिका फिर आमने सामने होंगे और मिडल ईस्ट धुआं धुआं होगा। ऐसे में ईरान का इसराइल से बदला लेने का प्लान क्या होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।